दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक और नई फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है IPL 2020 से पहले IPL की सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए आई खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की जो समस्या थी वो ही अब उसका समाधान बन चुकी है। और इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद हर RCB फैन कहेगा ई साल कप नाम दे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबा लें। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के अंदर का इमोशन है और इस इमोशन को पैदा करते हैं RCB के दो खिलाड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं RCB के दिल और धड़कन की यानी कि विराट एंड डिविलियर्स की। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ये पूरी टीम घूमती है। और दोस्तों इस टीम में बैट्समैन तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन दोस्तों इस टीम के पास बॉलर्स उस हिसाब के नहीं हैं जो कि टीम को चैंपियन बना पाए। जिस तरह से मुंबई इंडियंस के पास बुमराह हैं तो इस हिसाब से इस टीम के पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है। हालांकि दोस्तों इन्होंने उमेश यादव और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया और एक बार फिर से इनको रिटेन किया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने IPL 2020 के ऑक्शन में इस बार इसुरु उडाना, डेल स्टेन, केन रिचर्डसन और क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ियों को भी खरीदा है, जहां पर दोस्तों सबसे महंगा बाय इन्होंने किया क्रिस मॉरिस का, जिनको कि 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर उन्होंने खरीदा है। हालांकि दोस्तों इस टीम में नवदीप सैनी को लेकर जरूर अच्छी चीज हुई है कि वो अब इंडिया टीम के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और इंडियन टीम के लिए काफी अच्छी तरह से विकेट भी ले रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में RCB की एक समस्या तो सुलझी होगी, लेकिन दोस्तों जो खुशखबरी है वो नवदीप सैनी की तरफ से नहीं बल्कि इनके सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस की तरफ से आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हमने बताया था कि मॉरिस हाल ही में बिग बैश में खेल रहे हैं, जहां पर सिडनी थंडर्स की तरफ से वो बिग बैश में खेलते हैं और उसमें शुरुआती मैचेस में उन्होंने उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। हालांकि दोस्तों इनकी टीम को बिग बैश में फाइनल में तो नहीं जगह मिल पाई, लेकिन दोस्तों फिर भी RCB के लिए इन्होंने राहत की खबर दे दी है, जहां पर आपको बता दें कि क्रिस मॉरिस बिग बैश लीग में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। जी हां, आपको बता दें कि इन्होंने 15 मैचों में कुल 22 विकेट झटके हैं। और बात करें नंबर एक की तो नंबर एक पर नाम आता है डेनियल सैम्स का, जिन्होंने की 30 विकेट लिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों 22 विकेट के साथ में मॉरिस जो है वो इस बिग बैश लीग के टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और दोस्तों बात करें इकोनॉमी की तो वो भी दोस्तों इनकी ज्यादा नहीं और काफी अच्छा एवरेज है। और मॉरिस का इस तरह का परफॉर्मेंस RCB की फ्रेंचाइज, उनके फैंस और विराट कोहली को जरूर राहत देगा, क्योंकि दोस्तों इनके पास डेल स्टेन अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरिस भी अब फॉर्म में आ चुके हैं और दोस्तों केन रिचर्डसन भी बिग बैश में खेल रहे थे, जहां पर विकेट्स तो उनको ज़्यादा नहीं मिले लेकिन इनकी इकोनॉमी जो है वो शानदार रही और काफ़ी नपीतुली गेंदबाजी इन्होंने बिग बैश में की थी। तो गाइस ओवरऑल अगर बात की जाए तो RCB का बॉलिंग डिपार्टमेंट अब पूरी तरह से सेट है, जहां पर बैटिंग में एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे और मोइन अली जैसे बल्लेबाज हैं। तो वहीं बॉलिंग में अब नवदीप सैनी, क्रिस मॉरिस, उमेश यादव, डेल स्टेन और इसुरु उडाना जैसे गेंदबाज हैं। तो इस बार IPL में RCB की टीम बाकी टीम्स को तगड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस साल RCB ने वो सारे बॉक्सेस को टिक कर लिया है जो कि इनके अमूमन हर साल खाली रहते थे। तो IPL 2020 में दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब RCB के मैचेस होंगे। और दोस्तों हम आपको RCB और बाकी टीम्स की हर अपडेट ऐसे ही पहुंचाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। धन्यवाद।